रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है। एक भाई देख हा, एक भाई देख हर शाम के बाद सवेरा है। कदम पर गाना है, हंसना है रोना है, जीना है मर जाना है, यानी कुछ कर जाना है। हर लम्हा बेहतरीन, देख भाई देख हा, देख भाई देख जमाना है रंगीन। घड़ी देखिए, ये भी कोई वक्त है कराने का? आजकल घड़ी बांधना भी भूल जाते होंगे आप, और क्यों ना देखो। हाँ, ये आप जानबूझकर कर रहे हैं, घड़ी नहीं बांध रहे तब क्या आपको मौका मिल जाए ऑफिस में चुपके रहने का। I must come one day and find out। समझ गया। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि दुनिया के जितने बुरे ख्यालात है ना, वो सब तुमने सोच लिया। बम फूट गया होगा, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया होगा, किसी ने गोली मार दी होगी, है ना? मैंने इतना बुरा तो सोचा नहीं थी। ना। अरे सोचा कैसे नहीं, मेरी बीवी हो। मेरी बीवी अगर बुरा नहीं सोचेगी तो मेरी बीवी कैसे होगी? अच्छा, इतना बुरा सोचती हूँ मैं? अच्छा सुनो, अब तुम्हें एक खुशखबरी सुनाता हूँ। कंपनी वालों ने हमें टिकटें दी हैं कि हम दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी होटल में जाके रह सकते हैं। बट व्हाई, क्यों? अरे तुमने मेरी कदर नहीं डाली तो क्या हुआ, दूसरे तो मेरी कदर करते हैं। 3 करोड़ रुपए का फायदा दिलाया कंपनी को, उनका भी फर्ज बनता है कि मेरे ऊपर कुछ 10-12 लाख रुपया खर्चे। फिर हम कहाँ जाएंगे, बोलिए ना। अरे जहाँ सारी मंडली कहेगी और कहाँ। चलो हो गया। हो गया क्या, होगा ही। अरे जॉइंट फैमिली में ऐसे ही होता है। दीदी पानी पी ही लो। नहीं चाची, ये पानी से बंद होने वाली हिचकी नहीं है। भैया तो यही है, फिर ये हिचकी, फिर ये कौन सी वाली हिचकी है दीदी? बताऊं कि ना बताऊं, क्या करूं? ना, तुम्हें पता है ना पिछली बार बता देने से कितनी गड़बड़ हो गई थी। ना, हाय दीदी, फिर ये हिचकी बंद कैसे होगी? तुम कर सकती हो। मैं कैसे? कैसे? तुम अगर प्रॉमिस करोगी ना मुझे तो मेरी हिचकी बंद हो जाएगी। प्रॉमिस? ठीक है बोलो। चाची तुम्हारे भैया को ना रिवॉर्ड मिला है। वाह, तुम्हें क्या क्या मिलता रहता है, तुम्हें अपने पति पर बहुत नाज होगा ना? है, क्यों नहीं होगा। चाची तुम्हें बताए कि उनको ना ना, मगर क्यों, प्यास तो चल चुके। नहीं नहीं चाची, तुम अपना काम करो, मैं तुमसे नहीं कह रही हूँ, मैं तो अपने आप को मना कर रही तुम्हें बताने से कि वो और मैं ना। ना बाबा, ना बाबा, ना। दीदी तुम मुझे कुछ छिपा छिपा के बताना चाह रही हो ना? ना चाची, उनकी कंपनी हम दोनों को एक फोन ट्रिप फ्री दे रही है। तुमने क्या कर दिया, मुझे किस उलझन में डाल दिया। अब ये बात मुझे अपने पेट में रखनी पड़ेगी। ना दीदी ना, मैं फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं कर सकती। नहीं कर सकती? ना नहीं कर सकती तो फिर ठीक है। मैं तो झूठ बोली। थैंक गॉड मैं बच गई। दीदी हाँ तुम झूठ बोली? हाँ बोली। ना तुम तो झूठ बोलती नहीं। सच्ची?
झूठ मेरी सच्ची झूठ सच्ची चाची मैं तुम्हारी मेजोरिटी की टेस्ट दे रही हूँ हाँ दीदी झूठ चाय मम्मी जी ये है ना वो मेरे वाले भी मेरे वाले अगर आप मम्मी से नीचे देखने को कहेंगे तो वो देखेंगे ही नहीं अरे मम्मी नीचे देखो ना अरे मुझे क्यों देखूं? देख लो सुहासनी नीचे देख लो हाँ हाँ जी सारे जूते चप्पल यहाँ क्यों पड़े हुए हाँ बस आपको सिर्फ ये दिख रहा है कि जूते चप्पल पड़े हैं तो पड़े तो है ना एक के ऊपर दूसरा जूता पड़ा हुआ नहीं दिख रहा अरे हाँ एक जूते पर दूसरा पड़ा हुआ तो है लेकिन क्यों बटवाए भाई ओहो भाभी जी आपको इतना भी नहीं पता बट वाई वाई हाँ जब किसी इंसान का एक चप्पल अचानक उसके दूसरे चप्पल पे पड़ जाए तो वो क्या करता है चाची और दीदी मुझे क्या पता जूतों और चप्पलों के बारे में मैं बताता हूँ जब अचानक किसी की एक पैर की चप्पल दूसरे पैर पे पड़ जाए तो वो सफर करता है ए जी ओ जी सुनिए जी कौन सा वाला सफर हिंदी वाला सफर या फिर इंग्लिश वाला सफर हाँ भाई इन लोगों के लिए हिंदी वाला सफर और हमारे लिए अंग्रेजी वाला सफर और क्या ऐसा थोड़ी होता है जॉइंट फैमिली में कि कोई भी अकेले अकेले सफर के लिए चले जाए सब साथ चलेंगे हाँ तो मम्मी जी क्या फैसला हुआ हम सब के सब कहाँ जा रहे हैं दीदी मैं तो पहले ही बोले देती हूँ या तो सिंगापुर जाएंगे या फिर मॉरिशस जाएंगे हाँ नहीं बेटा डैडी जी मैंने फैसला किया है कि लंदन ही जाएंगे क्या मम्मी जी फिर लंदन हाँ मम्मी जी लंदन नहीं जाएंगे नहीं तो कंबक सर सोचेंगे हम लोग बार बार उन्हें चढ़ाने के लिए आ जाते हैं ऐसा करते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं हाँ हवा हवाई विशाल डू नॉट टू स्मार्ट हां तू आपनो टीवी नहीं देखता है वो स्विमिन भी होती है अच्छा बाबा एक काम करो जो लड़कों की चिट्ठियां वो तू बांध दे और जो लड़कियों की वो तू बांध दे ओके मेरी बच्ची मेरी प्यारी बच्ची जरा अपनी गेम का स्टैंडर्ड बढ़ा दे ये क्या खेल रही है बांटने दो इससे सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी बढ़ती है हां ठीक पता है मम्मी जी बचपन में ना पोस्ट बांट के ही आज इतनी रिस्पांसिबल हो गई समीर सॉरी हो गया ये तो लगातार 25 साल तक क्रॉस वर्ड भर के भेजने के लिए मुझे कंसोलेशन प्राइज लेने के लिए दिल्ली बुलाया है नोट किया जाए मम्मी जी करेक्ट एंट्रीज भेजने के लिए प्राइज नहीं बल्कि 25 साल तक लगातार भेजने के लिए डैडी तालियां प्राइज क्या है अरे 25 साल के तमाम करेक्ट सॉल्यूशंस की किताब जो है वो मुझे इनाम में दी जाएगी तालियां या या डैडी जी मुझे लगता है आपने जरूर गलत पढ़ लिया आपको सिखाने के लिए बुलाया होगा ओहो ओ माय गॉड 25 साल में डैडी जी ने पहला कर दिया
हो गई है, ये देखिए। अरे सर, चलो भाई, अब तो 25 तारीख को शादी है तो लंदन जाना पक्का। अरे तो 25 तारीख को दिल्ली जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं, नरेश की बेटी की शादी है, दर्शी का खता है। दर्शी दर्शी को मेरी बहन आपकी साली, उसके बेटे नरेश की बेटी की शादी है। नरेश कौन? चाची, ये नरेश जी को क्या हो गया? एक मिनट, मैं अपने सोमो को पूछती हूँ। डैडी जी, खुश होना बहुत अच्छी बात है, हम सब भी बहुत खुश है, वी ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू, पर इतना भी नहीं कि आप सारे रिलेशन ही भूल जाए। नरेश यानी दर्शी मासी का लड़का, उनकी लड़की, उसकी शादी। अरे उसकी लड़की क्या हुई? कैसी बात कर रहा है, बन के देश से तीन तीन बेटियां हैं। तो उसके छोटी लड़की की शादी है? छोटी की क्यों, बड़ी की। ओह तो ठीक है, अब नहीं मैं तब जाऊंगा। और देखो तुम लोग सब जा रहे हो ना, तो मेरी तरफ से आशीर्वाद दे देना। नहीं नहीं, कैसी बात कर रहा है, अरे भाई चलो ना, तुम तो ऐसे बन ठन रही हो जैसे लोग तुम्हें ही देखने वाले हैं। अरे भाई हम लोग अब सास ससुर बन गए हैं। हेलो हेलो, सरला है? अरे बाबा बार बार सरला को पूछे जा रहे हो, बोला ना रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर? तुमसे कभी जिंदगी में सही नंबर लगा है? एक नंबर। हे भगवान, ओह माय गॉड, ओह। हेलो, हाय सरला, दर्शी। अरे ये क्या? अरे हुआ क्या? ओह मम्मी जी, क्या हुआ मम्मी जी? दर्शी मासी का फोन है इस वक्त, और रोज चली जा रही है। रोज चली जा रही है, दर्शी मासी का फोन है इस वक्त। मैं समझ गया मम्मी जी, मैं समझ गया, शादी के दो दिन पहले उन्होंने फोन किया है, इसका मतलब शादी कैंसिल। शुभ शुभ बोलो। वो मम्मी जी, शुभ शुभ ही तो बोल रहा हूँ, ये गबरू नौजवान पति बनते बनते बच गए। अरे बाबा तुम्हें अच्छा कौन लगता है, हाँ इतना अच्छा जमाई मिला है, उसमें भी ना जाने तुम्हें क्या क्या खराबी दिखती है। ऐसा उसमें है ही क्या, बिजनेस है तो बिजनेस किसका नहीं होता, पैसा है तो पैसा किसके पास नहीं होता। हो गई ना फिर शुरू, हाँ अब शुरू क्या खत्म क्या, अब तो बस खत्म ही खत्म है। अब मैं तो अपने घर वालों को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही, कितना अच्छा रिश्ता लाई थी। मालूम है तुम्हारी चाची की मौसी की बेटी का नाती। नाती नहीं बेटा, काहे खामखा मेरी बहन की उम्र बढ़ाए जा रहे हो। हाँ कैसा चांद सा लड़का था, उसके आगे है ही क्या, ये पता नहीं मेरी बेटी को कैसे रखेगा। ये रो रही है, हंस रही? नहीं नहीं, रो रही। अरे दशी ये क्या है, आपको पता है ऐसे लड़के बड़े बदमाश होते हैं। अरे तुम क्या ऐसा वैसा सोच रही हो, देखो निशा ने खुद ही तो उसे पसंद किया है ना, मैं कहता हूँ दोनों बहुत खुश रहेंगे। चलो चलो चलो, गुस्सा थूक दो ना। वैसे मम्मी जी आपकी तरफ यानी आपके माई की तरफ यानी आपकी दोनों बहनें इतनी मेरा मतलब है ऐसे क्यों? तुम यहाँ क्या करने आए थे? पता नहीं, मैं पीने आया था या पीने आया था, जो भी कुछ करने आए थे, जाओ करो। अच्छा अच्छा, मासी कहिए ज्यादा रोए नहीं। दैट ओह माय गॉड, कशी बात तो सुनो भाई। अरे भाई रोना बंद करो, बात करो, सरला क्या सोचेगी। नरेश ये देखो, देखो क्या हो रहा है, समझाओ। अरे मम्मी जी क्या हुआ, रो क्यों रही है? होगा क्या, खुद ही सरला को फोन लगाया और खुद ही रोए जा रही है। ओहो, अरे भाई दीजिए मम्मी, मैं बात करता हूँ, दीजिए मुझे लाइए। हेलो नरेश। हाँ जी, निशा की शादी हो रही है। हाँ पता है, कार्ड मिला भाई, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। देखिए मासी, 25 की शादी है और आप 15-20 दिन पहले आ जाइए। हाँ मुझे तो ओहो, क्या है मासी, पेरी पहना। जीती रहो बेटी, आपको बहुत जल्दी आना है। बिल्कुल 15-20 दिन पहले ही आएंगे। हाँ अच्छा, निशा कहाँ है जरा उसको फोन देना, उसे भी तो मुबारकबाद दे दे। अच्छा निशा से हाँ बुलाती हूँ, निशा। हाँ निशा बेटी जल्दी आ, मुझे आजा, बड़ी मम्मी का फोन। हेलो मासी, बात कर। हेलो बड़ी मम्मी, हाउ आर यू बेटे? फाइन थैंक यू। क्या करते हैं तुम्हारे दूल्हे मियाँ? आप डैडी से पूछ लीजिए। देखिए ना मासी कैसे शर्मा गए, हाँ अरे लड़का तो बहुत अच्छा है। ओहो हेलो मासी, मैं एक बात बताऊँ मासी, मैंने
इतना इतना प्यारा लड़का, एक इतना अच्छा लड़का ढूंढा था निशा के लिए, इतना अच्छा लड़का था, लेकिन इनको कौन समझाए। छोड़ो ना, फिर हो गई शुरू। जब निशा को पसंद है तो उसकी पसंद अपनी पसंद, ठीक है ना? बलराज, बलराज, नरेश का फोन है, लो बलराज से बात करो। हेलो नरेश। अरे ओए ओए खोते ओए। अरे भाई बहुत बहुत मुबारक हो। देख बलराज, तुझसे पहले बन गया ना ससुर। अरे भाई तुझे हमेशा जल्दी होती है ना, तूने मुझसे पहले शादी की, तू मुझसे पहले बाप बना, तू मुझसे पहले ससुर बन रहा है, और एक बात बताऊं, तू मुझसे पहले मरेगा भी। भगवान कभी तो अच्छे पत्ते दिया करो, हमेशा पत्ता फेंको ना। हाँ फेंको फेंको। उठा लो दीदी उठा लो, मेरे पास जोकर है। वो तो दिख रहा है। दीदी दीदी कुछ बोलो ना चाची। दीदी अब हम लोग लंदन जा ही रहे हैं ना, तो मैंने सोचा थैंक्स टू यू चाची, अब हम सब लंदन जा ही रहे हैं। हाँ तो इसलिए मैं सोच रही। क्या सोच रही? जाने दो, बोल भी दो। दीदी तुम्हें टेंशन नहीं हो रही है? टेंशन क्यों होगी भला, क्या मैं फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठ रही हूँ, मैं फर्स्ट टाइम लंदन जा रही हूँ, या मैं फर्स्ट टाइम हम सब के साथ जा रही हूँ? तो कहने का वो मतलब नहीं है, जो इसका मतलब वो कह नहीं रही, क्योंकि ये तो जो कहती है उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। मैं आपको भाई का टेंशन नहीं है? उनका टेंशन क्यों? आपको पता है ना हम सब लंदन जा रहे हैं। हाँ? उन्हें भूलने की बीमारी है, उन्हें कहीं भी अकेले मत जाने दीजिएगा। बट व्हाई, क्यों? मेमे है ना। मेमे? ओहो भाभी, मेम गोरी गोरी नीली नीली आंखें भूरे भूरे बाल, मेमे। रमी हाँ? तेरे मुंह में कीड़े। हाँ सो, तुम्हारे मुंह में धूल। लो भाई, मम्मी जी आ गई। आज तो बहुत जरूरी काम पूरा हो गया। डेजी के लिए सारे सूखे आ गए। मम्मी जी, पहले मासी से फोन करके पूछ तो लेना चाहिए था कि उन्हें क्या क्या चाहिए। बिल्कुल ही पूछना चाहिए, वो तो सारा इंडिया मांग लेगी। हाँ, तो लेकिन अच्छा याद दिलाया, फोन करके कहते दूं कि हम सब आ रहे हैं। हाँ। खुश हो जाएगी। हाँ, हाँ, बहुत खुश होगी, क्योंकि हम लोग यहाँ से एक महीने का राशन भी तो लेके जा रहे हैं। ओह सॉरी, मैं भूल गया था, आप उनकी बहन। नहीं नहीं, वो आपकी बहन। नहीं नहीं, बस नहीं, कुछ तो भी है। आ रही हूँ, आ रही हूँ। इतनी ठंड में कौन याद कर रहा है मुझे? हेलो डेजी। अरे सरला कैसी हो? अरे वाह वाह वाह, बड़ी खुशी हुई तुम्हारी आवाज सुनकर। बस रहने दो, कभी याद तो करती नहीं हो। मैं बहुत याद करती हूँ तुम लोगों को। खैर मैंने फोन इसलिए किया ये बताने के लिए कि हम निशा की शादी में आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर दी। भाई नरेश के घर की पहली शादी है, सभी आएंगे। अच्छा ये बताओ जीजा जी कैसे हैं? सीटी बजा रहे हैं कि नहीं आजकल? तुम कहाँ हो जिसपे सीटी बजाएं? हाँ? वैसे वो नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं? तुमसे डरते जो हैं। अच्छा सुनो, आ रही हूँ ना, तो सुनो मेरे लिए अचार लेती आना, आम वाला। अरे वो जो मुझे बहुत पसंद है। हाँ और सुनो पापड़ लेती आना, भाई साल साल भर का ले आना। हाँ अच्छा, हाँ सुनो सल्ला, वो जो कांता थी ना भाई, वो आई थी लास्ट टाइम तो मुझसे 7 पाउंड उधार ले गई थी, वापस लौटाया ही नहीं। अरे जाने दो डेजी, एक बार पैसा छोड़कर देखो, नया एक्सपीरियंस होगा। नहीं 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 नहीं, तुम ले आना उनसे वो पैसे वापस मेरे। अच्छा आ कब रहे हो तुम लोग? शादी के 15 दिन पहले पहुंच जाएंगे हम। एक बात समझ लो सरला, तुम मेरे यहाँ ठहरोगी। और दर्शी क्या? मैंने कह दिया मेरे यहाँ ठहरोगी, अब किसी और के यहाँ ठहरी ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। फिर एयरपोर्ट पे आ जाना रिसीव करने, तुम्हारा पेट्रोल बहुत तो नहीं खर्च होगा। मैं आऊंगी खुद पिकअप करने के लिए। अच्छा भाई अब मैं फोन रखती हूँ, हमारा फोन का बिल भी तो बढ़ रहा है। ओके बाय। मुबारक हो। सुहाग की सुनीता, ये लो संभाल के रखो, तुम्हारी जूड़ी ले आएंगे लॉकर से। ये लो।
अपने अपने हैंड बैग में रखना। मम्मी मम्मी ये भी चूड़ियां डाल दीजिए प्लीज। मम्मी चलो ना फ्लाइट मिस हो जाएगी, आप कब कब कपड़े बदल देंगे? कुछ तो ख्याल कीजिए, सिर्फ 20 किलो ले जा सकते हैं बेचारे। तभी तो निकाल रही हो बहन जी, अरे 30 kg तो सिर्फ आपका ही सामान हो गया है। अरे लो बहन जी, मैंने क्या रखा है? सिर्फ ये पापड़ ही तो रखे हैं। ये पापड़ भेजे ही है लंदन आप, पापड़ नहीं मिलते लंदन में क्या? अरे अगर इतने अच्छे मिलते होते तो फिर मैं पागल हूँ जो पापड़ भेजती। और चलिए मैं तो पागल हूँ ही, लेकिन सरला बहन जी भी क्या पागल है जो डेजी के लिए पापड़ लेके जा रही है? और तुम क्या भेज रहे हो, ये सलवार कमीज? क्या सलवार कमीज वहाँ लंदन में नहीं मिलते? ये सलवार कमीज आपको नजर आ रही है? अपनी ये अचार की भारी भारी शीशियां नजर नहीं आ रही? अरे अरे निकालिए बहन जी, निकालिए। अरे बहन जी, तुम तो बस हर वक्त मुझे बेअकल साबित करने की कोशिश में रहती हो। अगर ऐसे अचार मिलते होते तो मेरे भांजे क्या पागल है जो फरमाइश भेजते? अरे तो क्या मेरे भतीजे ने सलवार कमीज की ऐसी ही फरमाइश कर दी है? मेरे हल्के हल्के कपड़े नजर आ रहे हैं आपको, अपने भारी भारी सामान नजर नहीं आता आपको? अरे ये क्या चकला भेज रही है? हाँ हाँ चकला, जब मेरे दामादों को ले जाने में तकलीफ नहीं है तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? मेरी बहन का बेटा बेचारा ब्रेड खा खा करके दुबला हो चुका है। हाँ अरे तो तुमने कहीं पंजाबी आटे की बोरी तो नहीं रख दी? अरे ये क्या करता नहीं है, मेरी चीजें मत निकालना, मैं बोल देती हूँ। ओहो कोई सुनता ही नहीं, फ्लाइट मिस करवा देंगे ये लोग। आप रख दीजिए इसके अंदर, ये बक्सा मेरी बेटी और दामाद का है। हाँ मैं बोल देती हूँ। ये कॉमन बक्सा है मिसेस खुल्लर, बड़ी नानी छोटी नानी मेरा आदमी इस कॉमन सूटकेस में रख दो ना प्लीज, बहुत प्रेशर है, भूलना मत। हाय राम ये क्या है, इसमें शाहरुख खान की तस्वीर है। अब ये शाहरुख खान इसमें कैसे जाएगा? भाई जान प्लीज ये कॉमन सूटकेस में रख दो ना प्लीज। ये क्या श्रीदेवी की फोटो है? नहीं नहीं नहीं, ये शिल्पा के लव लेटर्स है, तो उसकी मुझे वहाँ याद आएगी तो यही तो पढ़ूंगा ना। ठीक है क्या फालतू सामान है, निकाल दे संजू, जगह नहीं है, दिखा एल्बम। कॉमन सूटकेस मेरा है, इसमें सारी मेरी कॉमन चीजें जाएंगी, ऐसा मेरा मन है। इसमें तो तेल अचार और पापड़ की खुशबू आ रही है, मेरा मतलब बदबू आ रही है। अरे भैया ये कॉमन सूटकेस है या सहकारी भंडार? अरे कॉमन सूटकेस का मतलब है कॉमन चीजें भी डालो, फिर इतने कॉमन चीजें भी मत डालो कि ये सूटकेस एकदम अनकॉमन दिखने। तुम लोगों का कॉमन सेंस नहीं है क्या? ओ माय गॉड, चलो हमारी चीजें ही चाहे, अरे ये संचालक से ये राशन कर ले, ये सब मम्मी जी आपके सामान में इसको निकाल कर फेंक दो, नहीं जा सकती है। बताइए कितना कॉमन फाइल है, मुझे क्या है सामान दिया है कॉमन बॉक्स में रखने के लिए। कॉमन, ओ माय गॉड, लाइए भैया ये किसको, हमारे कॉमन बॉक्स के बारे में किसको कैसे पता चल गया? और ओह माय गॉड, इतनी सारी अनकॉमन चीजें इस कॉमन बॉक्स में? हाँ। नहीं नहीं ये नहीं जा सकते, देखिए इस पूरे बक्से में सिर्फ यही कॉमन चीज है। आइए आइए मिसेस पटेल, आपको कुछ लंदन भिजवाना है? अरे नहीं बहन, तैयारी हो गई आपकी? हो गई। मैंने सोचा कि आप जब जा ही रही है तो आतिबा मेरे लिए कुछ चीजें लेती आइएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, बताइए क्या चाहिए आपको। बस ये रही मेरी छोटी सी लिस्ट। चुपचाप चले या शोर मचे, जान जाए या जान बचे, रोज नया एक खेल रचे, ये किस्सा है संगीन। पैरों तले रहे जमीन, देख भाई देख, हाँ देख भाई देख, जमाना है रंगीन। इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है, देख भाई देख, हाँ देख भाई देख, हर शाम के बाद सवेरा है।